गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप अपने फेस्टिव सीजन जो है वो अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, आज मैं आपके सामने एक क्विक सा DIY यूज़ करूँगी, जिसके साथ साथ हम अपनी स्किन को अच्छे से पैम्पर कर सकते हैं। और गाइस, इसमें जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी वो हमारे किचन में ही है। गाइस, मैं आपके सामने बेसन का DIY यूज़ कर दिखाऊँगी। गाइस, बेसन जो है वो हमारा एक तरीके से खजाना है। इसमें हमारी स्किन को क्लींजिंग करने के बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। इसके साथ हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और इसके साथ साथ हमारी जो स्किन अनइवन स्किन टोन होती है उसको भी ठीक करता है, हमारे फेशियल हेयर भी रिमूव करता है और इसके साथ साथ जे हमारे एक्ने वगैरह से भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। गाइस, अब हम बनाते हैं अपना क्विक वाला DIY। इसके लिए हमको चाहिए बेसन, हम यूज करेंगे दही, इसके साथ हम यूज करेंगे टर्मरिक हल्दी। और गाइस, मेरे पास है जे अरोमा ट्रेजर का एलोवेरा जेल। जी गाइस, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि इसकी इतनी क्वांटिटी रह गई है और ये मेरी सेकंड परचेज थी। इसके साथ ही गाइस मैं यूज़ करूँगी ये ग्लिसरीन, इसमें है रोज़ एक्सट्रैक्ट भी। तो चलिए हम अभी बनाते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं एक स्पून के करीब बेसन लूंगी। उसमें मैं एक स्पून, अगर हमने बेसन लिया है तो उसमें हम एक ही स्पून कर्ड ऐड करेंगे। अब मैं एक छोटा सा स्पून लूंगी, इसकी हेल्प से मैं टर्मरिक जो है वो डालूंगी। टर्मरिक थोड़ी सी, ये देखिए इतनी सी गाइस। इसके साथ साथ मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। और इसके साथ साथ अभी मैं यूज़ करूँगी ग्लिसरीन, इसमें रोज़ एक्सट्रैक्ट है और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। बस दो ही ड्रॉप्स इसके इनफ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, अच्छे से एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। गाइस, आपको पता ही होगा जो कर्ड है वो हमारी स्किन के लिए नेचुरल ब्लीचिंग का जो है काम करता है और टर्मरिक जो है वो हमारी स्किन पर एक्ने और हमारी स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है और अनइवन जो स्किन टोन होती है उसके लिए भी बेनिफिट्स हैं देता है। गाइस, इसमें हमने 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन ऐड की है जो कि हमारी स्किन को अच्छे से नरिश करेगा और हमारे pH लेवल को बैलेंस करेगा। गाइस, आप इस पैक को अपने फेस पर किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो अपने हाथ के साथ कर लें, नहीं तो एक अच्छा सा ब्रश ले लें फेस पैक वाला, उसके साथ अच्छे से इसको अप्लाई करें। गाइस, ऑलवेज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पैक है उसको अपरवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। इसके साथ आपकी जो स्किन है वो कभी लूज नहीं होगी और अगर लूज हो गई है तो आप इस तरीके से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर, ऊपर चीक्स की ओर जाना स्टार्ट कर देगी। अगर हम नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे गाइस तो हमारी स्किन जो है लूज हो जाएगी और बेसन के साथ हम अपनी स्किन को अच्छे से टाइट भी कर सकते हैं।
गाइस JDAY कोई भी टीनेजर भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया कि जो किसी की भी स्किन के लिए हार्म होगा। गाइस अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो इसके साथ आप अपनी स्किन पर अच्छे से दिखोगी, आपका टेक्सचर बहुत अच्छे से जो है इम्प्रूव हो रहा है। गाइस अब आप आपको ये देखिए जो पैक है इसको अच्छे से अपने नेक पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे। हम इसको अच्छे से सूखने देंगे। अगर आप चाहे तो इसको 15 से लेकर 20 मिनट तक अच्छे से अपने चेहरे पर लगा रहने दीजिए। उसके बाद अच्छे से इसको हम सर्कुलर मोशन में मसाज कर उतार देंगे। तो अभी गाइस मैं इसको अच्छे से सूखने देती हूँ। ये देखिए गाइस अभी जो मैंने जो पैक लगाया था वो 15 मिनट के बाद ऐसे सूख गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके साथ ऐसे मसाज करेंगे। ऐसे अच्छे से हम इसको अपने फेस पर गीला कर वॉश कर लेंगे। गाइस मैं अभी फेस वॉश कर आपको मिलती हूँ। जी देखिए गाइस मैं अपनी स्किन को अच्छे से गाइस डैब डैब कर आप अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। ये जो पैक है वो एक नेचुरल चीज़ों से हमने अपने हाथों से ही बनाया है, और इसको कोई भी टीनेजर या कोई भी एज ग्रुप का पर्सन जो है इसको यूज़ कर सकता है, और इसको हम डेली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ किया कि जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। गाइस आप इसको डे बाय डे अप्लाई करो, फिर आप देखना कि आपकी स्किन में कैसे नेचुरल ग्लो आएगा और आपकी स्किन जो है कितनी अच्छी लगने लगेगी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।